दोस्तों वेग होते हैं जो हमारे शरीर में लगते हैं, भूख प्यास छींक खांसी, ये होने वाले रहते हैं लेकिन कुछ लोग इसको रोक देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूख को रोकने से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। यदि हम भूख को रोकेंगे तो हमें भूख को रोकने पर, भूख लगने पर यदि हम खाना नहीं खाते तो हमारा शरीर टूटता है, कमज़ोर होता है, साथ साथ शरीर में दुर्बलता बनती है और ग्लानि आती है, किसी भी काम को करने की रुचि नहीं रहती, हमको इंटरेस्ट नहीं रहता और पेट में हल्का दर्द रहता है और पेट में गैस बनने लग जाती है और सिर चकराता रहता है यदि आप भूख लगती है और खाना नहीं खाते तब। और अगला है प्यास को रोकने से होने वाले रोग कौन से होते हैं। यदि हम प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीते तो हमारे मुंह में सूखापन रहता है, शरीर में शिथिलता के साथ शरीर के अंगों में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, बहरापन और चक्कर आना और आँखों में अंधापन होने की गुंजाइश होती है। समय में प्यास लगे तो पानी जरूर पिए। थकान के समय यदि सांस फूलती है तो उसके रोकेंगे तब क्या होगा। अगर चलने से, दौड़ने से, व्यायाम करने से, कोई भी काम करने से हमारी सांस फूलती है और हम इस सांस को रोकेंगे तो हमारी आंतों के रोग, हृदय के रोग और बेचैनी भी होने लग जाती है। अब खांसी को रोकने से होने वाला रोग होता है, यदि हम खांसी को रोकेंगे, खांसेंगे नहीं तो फिर उतने टाइम तक तो खांसी रुक जाएगी लेकिन उसके बाद ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लग जाएगी। और खांसी रोकते हैं तो हमें दमा, हृदय के रोग, हिचकी व सांस नली के साथ साथ फेफड़ों के रोग भी होने लग सकते हैं। यदि छींक को रोकेंगे तो कौन से रोग होंगे। छींक को हम बार बार आने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको लकवा मार सकता है, सर में दर्द होने सकता है, गर्दन अकड़ सकती है, ऐसे में छींक रोने की आदत बन जाती है तो हमें अन्य भी रोग हो सकते हैं। तो बस इतने विनम्रता, धन्यवाद।